एबीएस न्यूज लाइव खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। फेसबुक पोस्ट के बाद खुदकुशी की कोशिश, आरोपी ने खुद कहीं चने से लदा ट्रक चुराया। ग्रामीण इलाकों में फैलाए बीएसएनएल का नेटवर्क। दर्शकों अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पुलिस की सतर्कता के साथ स्वास्थ्य सेवक की जान बची, उसने फेसबुक पर आत्महत्या करने की जानकारी पोस्ट की थी। फिलहाल मेडिकल अस्पताल में उसका इलाज जारी है, हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल कारण की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है, पुलिस जांच कर रही है। नरखेड़ तहसील के भीषणपुर वर्तमान के नागपुर निवासी योगेश वासुदेव नसरे मेडिकल अस्पताल में स्वास्थ्य सेवक है। शनिवार को योगेश ने फेसबुक पर लाइव पोस्ट किया। उसने मराठी में कहा, अच्छे या बुरे कर्म किए तो भी लोग भला बुरा कहते हैं, इससे ऐसा लगता है कि कोई पाप किया है। इसे त्रस्त होकर फुटाला तालाब में आत्महत्या करने जा रहा हूँ। इसके लिए उसने माता पिता तथा मित्रों से क्षमा मांगी। फुटाला तालाब से फेसबुक पर लाइव होता देखकर अंबाझिरी थाने के वरिष्ठ निरीक्षक डॉक्टर अशोक बागुल दलबल के साथ फुटाला तालाब पहुंचे, तगड़ा बंदोबस्त किया, युवक को परिसर से हटाया गया, संदिग्ध पर नजर रखी गई। दूसरी खबर, कलमना थाना अंतर्गत ट्रक चोरी का पर्दाफाश हुआ है। ट्रक मालिक ही आरोपी निकला, उसने अपने साथी की मदद से लाखों रुपए के चने से लदा ट्रक चुराया था, माल जब्त किया गया है। लकड़गंज निवासी आचार्य लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट कंपनी का संचालक दिनेश आचार्य है। उसके यहाँ काफी सालों से पाटनकर चौक निवासी उरविंदर सिंह उर्फ अमन पाटिया काम करता है। उरविंदर के पास ट्रक है, चालक मालिक वही है, कहीं भी माल पहुँचाना हो तो दिनेश उसे काम देता है। इस बार उसे चना पहुंचाने का काम दिया गया था। ट्रक में चना लादने के बाद भी उरविंदर ट्रक नहीं ले गया। इस बीच 23 या 24 तारीख की दरमियान रात चने से लदा ट्रक चोरी हो गया। दर्ज प्रकरण की जांच करते हुए पुलिस ने उरविंदर और उसके साथी अशरफ खान कामठी रोड नाका 2 नंबर निवासी को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में उन्होंने चोरी करने की बात स्वीकार। आरोपियों के कब्जे से 11,12,000 रुपए का चना सहित ट्रक जब्त किया गया है। तीसरी खबर, टेलीकॉम भवन बीएसएनएल में हुई दूरसंचार सलाहकार समिति की बैठक में सांसद कृपाल तुमाने व सांसद डॉक्टर विकास महात्मे ने बीएसएनएल की सेवा का जाल ग्रामीण इलाकों में फैलाने को कहा। ग्रामीण क्षेत्र के लोग बीएसएनएल पर ज्यादा निर्भर हैं, ग्रामीण में लैंडलाइन सेवा पर जोर देना चाहिए। सांसद कृपाल तुमाने व सांसद डॉक्टर विकास महात्मे की अध्यक्षता में हुई बीएसएनएल दूरसंचार सलाहकार समिति की बैठक में बीएसएनएल के महाप्रबंधक यश पहानेकर, एजीएम एचएन पिपरे, टीएससी सदस्य तुलसीराम अगरकर, एजीएम वीपी नावले, योगिता घायवत प्रमुख रूप से उपस्थित थे। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं, प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उस पर रोजाना खबरें देख सकते हैं। लिंक्डइन, हाइक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। अब आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार। देश की राजनीति पर होगी आपकी मुझसे सीधी बात, देश की आम जनता जुड़ेगी मेरे साथ, हर गली की राजनीति पर होगी हमारी बात, आपके नगर सेवक से लेकर सांसद तक से होगी चर्चा, जिसमें विकासात्मक कार्य और उनके द्वारा किया गया भ्रष्टाचार दोनों पहलुओं पर होगी बात, मेरे साथ मेरे प्रोग्राम में। आप भी जुड़ सकते हैं मेरे साथ सरकार से सीधी बात दोपहर